दिल्ली का अगर आप देखें तो केजरीवाल जी अच्छा करते हैं। हाँ। अगर हम स्टूडेंट आप देखें तो हमारा स्कूल वगैरह या कुछ तो उनका काम अच्छा है। अपने घर के ठेकेदार बुला के स्कूल में पेंट करा दिए, 4 रुपए के 8 रुपए उनको दे दिए, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। सर आपके बच्चे भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, अगर आप दिल्ली के होंगे तो चीज का 2013 में 13.5 लाख बच्चे दिल्ली स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आज वो आंकड़ा घट के 9,77,000 हो गया। तो जब शिक्षा अच्छी करी तो वो बच्चे क्यों कम हुए, सब प्राइवेट सेक्टर में गए। मैम मैं बताऊं, सुनो, अगर शिक्षा अच्छी है तो बच्चे क्यों नहीं चाहिए। अब ये तो दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं, सर आप पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ता हूँ। 32 कमर आती हो वो 34 की पैंट पहनता हो, इससे बड़ा ठक्का मिलेगा देश को, ये बताइए। बेटो काम तो करे को नहीं, दो पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रही तरी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, आगे कन्हैया लाल गए हैं और पीछे तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन उससे पहले एक हमें बच्चा मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा मैम शदाब रजा। शदाब रजा, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी मैम 18 है। 18 है। अच्छा देखिए, ये तो अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, क्या कहेंगे? अभी कुछ बता रहे थे, काम कौन अच्छा करता है दिल्ली? मैम देखो दिल्ली का अगर आप देखें तो केजरीवाल जी अच्छा करते हैं। हाँ। अगर हम स्टूडेंट आप देखें तो हमारा स्कूल वगैरह या कुछ तो उनका काम अच्छा है, बाकी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस भी अपनी जगह सही है, लेकिन दिल्ली का आप अगर माहौल देखें, शिक्षा वगैरह देखें, आपके बराबर में अस्पताल है तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी अच्छा काम करते हैं दिल्ली में। तो आपकी उम्र 18 साल है ना? जी मैम। वोटर कार्ड तो बना नहीं होगा? मैम वोट डाली थी मैंने इस बार भी निगम पार्षद के इलेक्शन में। किसको दिया था? मैंने मैम झाड़ू को ही दिया था। चलो बहुत बढ़िया, इन्होंने झाड़ू को वोट दिया, मतलब आप ये मान रहे हैं झाड़ू अच्छा काम कर रही है? हां झाड़ू अच्छा काम। दिल्ली में अभी तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यात्रा में कैसे आ गए आप? मैम आए कैसे, मेरी शॉप है यहाँ पे, मतलब मेरे डैडी की, अच्छा तो मैं ऐसे ही आया था, तो मैंने देखा मैंने क्या हो रहा और बराबर में अस्पताल है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी जाम के चक्कर में। अच्छा। उससे तो वो खैर ही इनका वो जो भी है। हाँ। तो मैं यही देखना आया था। अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। क्या हो रहा सर, क्या बता रहे हैं? मैं शिक्षा वाली बात पे कहूंगा। हाँ, केजरीवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ये बता दे कौन सा उसने स्कूल बना दिया दिल्ली के अंदर? हाँ। पूरी दिल्ली में एक स्कूल का नाम बता के वो स्कूल बनाया, तब हम तब सहमत होंगे। सर मैं अपने स्कूल को आपको फोटो भी दिखाता हूँ और स्कूल भी दिखाता हूँ। ओनली डेवलप करने से वो भी अपने घर के ठेकेदारों को, हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। अपने घर के ठेकेदार बुला के स्कूल में पेंट करा दिए, 4 रुपए के 8 रुपए उनको दे दिए, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। सर आपके बच्चे भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, अगर आप दिल्ली के होंगे तो। मेरे वाले भाई आप पढ़ते हैं? बच्चे ने सवाल किया है, कहां पढ़ते हैं? एक चीज बोलना चाहूंगा, आप अगर आप का जवाब दो, बात कर रहे हैं आपके बच्चे भी, जब 2000 के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे चीज का जवाब। 2013 में अरविंद सिंह लवली जी जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री थे, अपना कार्यकाल छोड़ के गए थे, तब 13.5 लाख बच्चे दिल्ली स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आज वो आंकड़ा घट के 9,77,000 हो गया। तो जब शिक्षा अच्छी करी तो वो बच्चे क्यों कम हुए, सब प्राइवेट सेक्टर में गए। मैम मैं बताऊं, सुनो, अगर शिक्षा अच्छी है तो बच्चे क्यों नहीं चाहिए? अब ये तो दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं, सर आप पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ता हूँ। अरे वाह, ये सर मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है ना। आपके कहने से क्या होगा, स्कूल के अंदर मैं जाता हूँ, आप थोड़ी जाते हो। मैं बता रहा हूँ, पहले नर्सरी नहीं थी मैम, 6th क्लास के बाद आज हमारे स्कूल के अंदर नर्सरी भी। मैम एक मिनट सर, एक मिनट, हमारे स्कूल के अंदर नर्सरी, सब बच्चों को राशन मिलता है स्कूल के अंदर, हमारे हर तरह की सुविधा, और अब तो गाड़ी भी आ गई हमारे मोहल्ले में, गाड़ी लेके जाती है बच्चों को। एक चीज है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एक चीज है, पहले प्रचार नहीं थे झूठे, 10 रुपए का काम 10 लाख का प्रचार, पहले ये नाटक नहीं था, एक छोटा रिचार्ज एक बड़ा रिचार्ज, जैसा केजरीवाल है वैसी सेम बेटा मोदी है, ये पहले चीज नहीं थी। जो विचार प्रचार करते हैं केजरीवाल। अब मैम देखो मैं तो 500 में आया नहीं हूँ, मैं तो मैम देखो मुसाफिर हूँ, मेरे गले में तो आपको कोई पट्टी आएगा दिल्ली राव। चीज बोलना चाहूंगा अपने माध्यम से बता दूंगा, स्टूडेंट वाली बात करूंगा। नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया केजरीवाल पे, ये तो आपको भी मालूम है क्यों लगाया जुर्माना, अगर वो प्रचार नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि पैसे जमा करिए, आपने गलत प्रचार किया है। कभी आपने सुना कांग्रेस की सरकार में नालियों का मरम्मत होती थी सरकारी पैसे से, होल्डिंग लगते थे, कभी आज तक सुना आपने? ये पहली ऐसी कमीनी सरकार है जिसके अंदर ये नाटक हुआ।
सिर्फ ड्रामे किए इसने। शायद आपकी घर की महिला भी फ्री बस में ही जाती है जो केजरीवाल सर ने चलाई है, शायद आपकी घर की महिला भी उसी में जाती है। और सुनो सर, मैं आप ये मैं सुनो मैं बता दूं, आप बड़े हैं बता दूं, आपके घर में भी बिजली का बिल आता होगा। पहले कमर्शियल का 8.5 रुपए यूनिट था, 7.45 रुपए टैक्स लगा के। बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत काम हुआ और केजरीवाल उन्हीं कामों को गिनवा रहे हैं। नफरत के बीच बोले हम देश में सुनने की भी कोशिश कीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए। ये वही केजरीवाल है जब बिल्किस बानो वाले केस में गुजरात के अंदर अगर हम इससे कोई सवाल पूछते हैं तो कहता है नो कमेंट्स, जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई उस पर बोलने से मना कर देगा एक मात्र वोट की खातिर। एक वोट की खातिर किस चीज की राजनीति है मैम? आदमी को मोहब्बत से सारे समाजों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ये मतलब नहीं है पर्टिकुलर जब दिल्ली में वोट चाहिए तो मुस्लिमों का साथ। ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली के अंदर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो कोरोना के अंदर भी हिंदू मुस्लिम किया था, ये वही केजरीवाल है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी मोमडन ही हूँ, सुनो मेरी बात। हमें सर राजनीति से कुछ नहीं लेना, हम अपनी शिक्षा देखनी है, हमें हमारी शिक्षा अच्छी मिल रही है। शिक्षा का स्तर तो बता दे, दिल्ली के अंदर कितने बच्चे पढ़े 2013 के? सुनो मेरी बात, आप अभी दिल्ली में ही खड़े हो, आप अभी दिल्ली में ही खड़े हो, आप मुझे दिल्ली में कमी दिखा दो। मेरा एरिया पहले सर्कल में आता था, आप समझ जाओगे। शीला आपकी एक आपकी बात को ही कहूंगी, शीला दीक्षित वाली ही दिल्ली मान लीजिए, लेकिन अभी ही थोड़े दिन ही हुए हैं, चुनाव खत्म हुआ है, क्यों कांग्रेस को जनता कांग्रेस को क्यों नहीं कर रही? ठग मैडम, ठग इससे बड़ा ठग कौन होगा? 32 कमर आती हो वो 34 की पैंट पहनता हो, इससे बड़ा ठग क्या मिलेगा देश को? ये बताइए, वो ठग में डिग्री मोदी को भी तो उसने ठगी में पीछे छोड़ दिया, उससे बड़ा ठग है मिलेगा कहाँ? अच्छा बीजेपी ये भी कह रही है कि जो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा, कौन कहता है? भारत टूटा ही कब था? क्यों भारत नफरत? आप बताइए, आज से आप 10 साल पुराना 2013 से पहले का इतिहास उठाइए। अगर हिंदू भाई की शादी थी तो मुस्लिम भाई जाते थे, और मुस्लिम भाई की आती तो हिंदू भाई जाते थे। आज नहीं जाते, आज आप कभी हिंदू की शादी में नहीं शादियों नहीं। में सब जाते हैं लेकिन जाते हैं, लेकिन मैडम खाई बड़ी है। ऐसे मैम अगर आप कांग्रेस के इतिहास उठाएं जैसे ये बात कर रहे हैं तो आप मुझे बता दो, जब बाबरी मस्जिद थी वो तो खैर बहुत पुराना मुद्दा है, उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? केजरीवाल था उस टाइम पे केजरीवाल था ये बता दो। अब ये कह रहे हैं मुस्लिम को, ऐसी कोई बात नहीं, मुस्लिम ना पहले खतरे में तो ना अब खतरे में, सब भाई है, ना कोई खतरे में नहीं है। मैम कोई खतर बंद कराया था कोरोना के अंदर, मरकज बंद कराया था, ये वही केजरीवाल है। मरकज फिर आप मरकज पे आ गए, यहाँ मौलाना साहब को क्यों ला रहे हैं? मरकज को आप क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? दंगे आप मुझे बताओ, मरकज की चाबी लाने वाले भी आम आदमी का था, कौन सी कांग्रेस का आदमी था? मरकज की चाबी लाने वाले भी अमानतुल्लाह खान था, वो क्या कांग्रेस में? आप तो कांग्रेस में हैं। नहीं नहीं, मरकज की मैं केजरीवाल जी की भूमिका सही नहीं थी, ये सत्य है। अच्छा बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि जमनापार में दंगे, दंगों का इतिहास उठाइए। हम कह रहे हैं चलो दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन सहानुभूति दिखाने के लिए चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, ये घरों में तो जा सकता था। पर गड्ढे हाँ जी, बहुत रोड पे गड्ढे हैं आजकल, आज दिन आपने चुनाव खड़े हो इस टाइम देख लो कितने गड्ढे। मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और आप चाय दे रहे हैं? चाय तो ये मेरे भाई बंधु जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे सर ने बोला भी, 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा है, केजरीवाल को उस मुद्दे के लिए लाए थे कि सबकी बुराई करे। आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की देन है, कांग्रेस की देन है, जनता क्या बेवकूफ है जो बार बार केजरीवाल? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को धर्म के नाम पर बांटा गया है और हिंदुस्तान एक प्रतीक है, चारों धर्म जात सब मिलके एक पहचान है हिंदुस्तान की, और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं दोबारा से एक करना, एक साथ जोड़ना पूरे देश को। अच्छा। जो इससे पहले तोड़ा गया है, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस पहले अपनी पार्टी को जोड़ ले तब भारत जोड़ने निकला। कांग्रेस जुड़ी हुई है एक केजरीवाल मोदी की बेटी में, जैसा मोदी इसको नचाता डुमरिया लेकर यू 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 वैसे ही केजरीवाल नाचता है, ये वही केजरीवाल। सुनो मुस्तफा, ये दिल्ली दंगों में कौन क्या सहानुभूति दिखाने ये क्या? अरे अजीत डोभाल जी जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ये वही केजरीवाल ना घर के अंदर टीवी बैठ के देख रहा था, ये गया कभी देखने के लिए? लोगों की सहानुभूति सहने के लिए गया? कभी नहीं गया। राहुल गांधी मुस्तफाबाद के अंदर गए, वहाँ लोगों के हालचाल जाने, हिंदू भाइयों से भी मिले, मुसलमान भाइयों से भी मिले। अभी जब निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ, अली मेहंदी हैं एक, वो कांग्रेस के हैं, जैसे इन्होंने कहा कांग्रेस जुड़ी हुई है, कांग्रेस के 3 निगम पार्षद झाड़ू में हुए थे, 3 रात को उनके घर पे इतना पथराव हुआ, मतलब इतना पोस्टर वगैरह उनके फाड़े गए, वो फिर मजबूरी में कांग्रेस में आए वापसी। मुस्तफाबाद की जैसे सरबदार उन्होंने कहा केजरीवाल का नाटक आपने तो देखा ही होगा, सत्येंद्र जैन को
इतने से बड़े माफिया आ गए, मवाली आ गए तिहाड़ में, किसी ने मसाज कराई? रेपिस्ट मसाज, एक रेपिस्ट तो बीमार थे, कौन कहता बीमार, कौन कहता? अच्छा वो थे सुपरिटेंडेंट, जो हर एक मुस्लिम के, हर एक मुस्लिम या हर गुनहगार को ये बराबर मिलनी चाहिए ना, या एक अलग ही नेता को ये अलग से थेरेपी मिलेगी क्या? सत्येंद्र जैन अब क्या कर रहे हैं? केजरीवाल मसाज वाला, केजरीवाल मैडम केजरीवाल तो नहीं करा रहे थे। अरे तो उसका आदमी करा, जब बीमार थे, मैं इनकी रहनुमाई तो बीमार थे, कौन कहता बीमार थे? अच्छा जी, रेपिस्ट से क्यों करवाया? एक थेरेपी उनकी कर रहा है वो रेपिस्ट, वो थेरेपी कर रहा है, कौन सा लीगल उनके लिए है? एक थेरेपी जो रेपिस्ट इंसान तिहाड़ के अंदर बैठ के एक मसाज कर रहा है, उनकी शर्म आनी चाहिए इस केजरीवाल को, उसके सत्येंद्र जैन को।